हे गाइस, तो मैं रमी 24 ऐप का रिव्यू करने जा रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे आपको समझ में आ जाएगा ये ऐप आपको इंस्टॉल करनी है या फिर नहीं करनी है। तो रमी ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से खोलोगे तो ये वेबसाइट खुलेगी। उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, जल्दी से हम उसको डाउनलोड करते हैं और फिर इंस्टॉल करते हैं। तो ऐप को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर न्यू यूज़र रजिस्टर पे टच कर सकते हो या फिर साइन इन विद फेसबुक या फिर साइन इन विद गूगल भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं न्यू यूज़र रजिस्टर पे टच किया है मैंने, तो यहाँ पर एंटर ईमेल आईडी, पासवर्ड 6 अंक का, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद फिर रजिस्टर। और यहाँ पर रेफरल कोड नहीं डालने को दे रहा है, तो हो सकता है रेफरल कोड ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पर ऐप डाउनलोड करने के बाद ऊपर अपना नाम देख सकते हो, यूजर आईडी देख सकते हो, उसके बाद इधर 0 रुपये देख सकते हो, अभी मुझे 0 रुपये मिले हैं। तो अब हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ पर जाते हैं, वो है रेफर एंड अर्न सिस्टम पर। तो इसका रेफर एंड अर्न सिस्टम देखें तो ऊपर से देखने पर तो लग रहा है कि 500 रुपये आपको मिलेंगे और 500 रुपये मेरे को मिलेंगे अगर रेफ़र किया तो। लेकिन जब अंदर जाके इसके रूल्स पढ़ोगे ना तो हालत आपकी डील हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपको 500 रुपये, एग्जैक्ट 500 रुपये आपको डिपॉजिट करना होगा, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। और 500 रुपये डिपॉजिट करने के बाद जो मिलेगा वो बोनस मिलेगा या फिर कैश मिलेगा, इसकी भी कोई यहाँ पर स्पष्ट नहीं लिखा है। तो इसलिए वो बोनस ही होगा, क्योंकि अगर स्पष्ट लिख देते हैं लोग कि इंस्टेंट कैश मिलेगा या फिर डिपॉजिट कैश मिलेगा तो लिख देते हैं, और यहाँ पर उन्होंने कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब कि वो बोनस ही मिलेगा। और बोनस किसी काम का नहीं होता है किसी भी ऐप में, तो इसमें भी नहीं ही होगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो रेफर एंड अर्न सिस्टम बहुत ही बेकार है, करने लायक है ही नहीं तरीके से। तो अब हम जाते हैं टूर्नामेंट्स में, क्या यहाँ पर फ्री के टूर्नामेंट हैं? ज़रूर हैं, क्यों नहीं हैं। लेकिन जब आप ज्वाइन करने जाओगे तो बोलेगा कि केवाईसी को पहले अपडेट करो, ठीक है। तो अगर आप केवाईसी अपडेट करना तो आप यहाँ पर फ्री रोल टूर्नामेंट खेल सकते हो। केवाईसी के लिए आपको पैन कार्ड मस्ट है, उसके बाद फिर यहाँ पर आप देख सकते हो आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इन सब में कुछ भी अपलोड कर सकते हो। अगर हम पॉइंट्स रमी की बात करें तो 0.01 वैल्यू से चालू होती है और 25 वैल्यू तक जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको खेल कर दिखा देता हूँ कि इसका इंटरफेस कैसा है। तो कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस है, तो अब आपकी मर्जी है कि इसको आपको खेलना है कि नहीं खेलना है। अगर खेलना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वहाँ से जाके खेल लेना। अगर नहीं खेलना है तो कोई बात नहीं, मेरे और भी वीडियोस हैं रमी वाले, वो जाके आप देख सकते हो, वहाँ पर हो सकता है आपको कोई अच्छी ऐप मिल जाए, जैसे कि रमी कल्चर या फिर जंगली रमी।